नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं कारगुल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे आज अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में आयोजित होने वाले लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पेपर की तो चलिए शुरू करेंगे इस पेपर में अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के प, पचास क्वेश्चन उसके बाद में बात करेंगे अपन लाइब्रेरी साइंस के सौ क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कस अपन इससे एक ही वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो यहाँ पे राजस्थान जीके का सबसे पहले अपन यहाँ पे शोर करेंगे पार्ट ए की अगर बात करें तो यहाँ पे राजस्थान जीके का यहाँ पे शोर कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहां पे जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे तो इनके राइट आंसर की बात करें तो महाराजा हनुमत सिंह जो थे उन्होंने ये रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी तो इनका संबंध जो था वो रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित थी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या होता है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान में पावड़े जो हैं ये लोक गाथा के रूप में जाने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो साधु सीताराम यानी कि सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तो आ, यहाँ पे गुजर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो नाग भट्ट जो है नाग भट्ट प्रथम जो है इन्होंने यहाँ पे मंडोर से मेड़ता में इनकी राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित की थी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो यहाँ पे कौन से पॉलिटिकल एजेंट्स जोधपुर के अठारह के विलपन में मारे गए थे तो यहाँ पे मैक मोशन जो है वो यहाँ पे मारे गए थे जो कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे शामूगढ़ के युद्ध के दौरान जो दारा की प्राजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता यहाँ पे स्वीकार की थी तो वो शासक की अगर बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह जो है वो यहाँ पे उनके उस समय शासक थे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ संबंधित है किससे संबंधित है गोवा जी से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है ये इसका राइट right आंसर अलवर होगा नेक्स्ट बात करें तो किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन यहाँ पे किया जाता है तो घूमर का नृत्य जो है यहाँ पे तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में या फिर उसके तीज महोत्सव उत्सव पे आके यहाँ पे किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह की अगर बात करें तो जीवन जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके कारण क्वेश्चन राम स्ने संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक शाखा के प्रवर्तक थे तो इसके राइट आंसर की बात करें तो यहां तो right तो पे रेण जो है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बाड़मेर जिला जो है वो कानन मेला से संबंधित है नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है तो मैं आपको बता दूं बयाना में जो भरतपुर में पड़ता है वहां पर भीमलाट का विजय स्तंभ यहाँ पे स्थित है जो कि पहला विजय स्तंभ भी माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो रणथंब पूरा इसका राइट right आंसर होगा वनस्थली विद्यापीठ का संबंध किससे है तो इसका संबंध जो है रतन शास्त्री से यहाँ पे संबंध है इनका तो इसका राइट right ऑप्शन जो हो, होगा वो यहां पे बी होगा रतन शास्त्री नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जोधपुर के मैरानगढ़ का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया राव जोधा ने इसका निर्माण यहाँ पे करवाया था नेक्स्ट अगर बात करें देश हितेशी देश सॉरी देश हितेशनी सभा की स्थापना कब हुई यानी कि को स्थापित कब किया गया था तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो 2 जुलाई 1877 में देश हितेशनी सभा की स्थापना यहाँ पे की गई थी तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर में तो क्वेश्चन नंबर जो है राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहला अधिकारी कौन था तो इसका राइट right आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैटकोव जो थे वो पहले अधिकारी थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ माणिक्य लाल वर्मा जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है इसका राइट आंसर ताम्र काश्य युगन से संबंधित है राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा यहाँ पे की गई रणछोड़ भट्ट जो है उसकी रचनाकार हैं नेक्स्ट करें अली भक्सी जो ख्याल है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे अलवर होगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करें तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है राजस्थान में तो अलवर जिले में स्थित है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की बात करें तो जयपुर चित्रकला शैली का काल किस शासन के का के काल में माना जाता है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा यानी कि शवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को यहाँ पे चित्रकला का काल माना जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय पार्क जो है वन्य जीव अभ्यारण में सबसे बड़ा माना जाता है तो इसका राइट आंसर जो होगा सरिस्का अभ्यारण यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो uh, अपने पास में है बीखाबाई सागरवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है तो इसका राइट आंसर जो है डूंगरपुर यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक फार कहाँ उत्पादन होता है तो इसमें बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर का ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर जिला यहाँ पे राइट आंसर है इसका नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का यहाँ पे राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है इसका राइट right आंसर जो है वो अंबिका नगर हो जाएगा नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय मरु को किस नाम से जाना जाता है तो जीवासम पार्क जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है जो कि जैसलमेर में स्थित है नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी वन की तो यहाँ पे यहाँ पे नदिया और उनके सहायक नदियों में मैच करवा रहा है तो इसके जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा यानी कि माही साबरमती का संबंध यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की बात करेंगे तो यहाँ पे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कर्सी जलवायु उपखंड सम्मिलित है तो यहाँ पे जयपुर अजमेर टोंक इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का क्वेश्चन थर्टी थ्री की बात करें तो यहां पे गजनेर लिफ्ट का नया नाम यहां पे क्या है क्वेश्चन तो तो नंबर की बात करेंगे तो राजस्थान के आंतरिक अव, तंत्र में, में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जाखम होगा इसका राइट आंसर जो है जाखम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में चलेंगे तो क्वेश्चन थर्टी फाइव की बात करें तो रातनाड़ा हवाई अड्डा कहां स्थित राजस्थान में तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें यानी छत्तीस की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ए, सु, ए, सुमेलित नहीं है अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो तलवारा गंगानगर से संबंधित नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करें तो वंश धारा जो पहाड़ी है कौन से कौन से अभ्यारण्य में स्थित है तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा यानी कि सज्जनगढ़ सज्जन में स्थित है क्वेश्चन नंबर नंबर की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका सामने है भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँव अवस्थित है तो यहां पे इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा यानी कि बीकानेर इसका राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी की तो यहाँ पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल यहां पे स्थित है तो इसका राइट आंसर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में यहां पे जोगी महल यहां पे बने हुए हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी की बात करें तो राजस्थान में मूव मुफली मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी मानी जाती है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जलोड़ मिट्टी जो है वो एक मूंगफली के लिए काफ़ी सर्वाधिक मानी जाती है नेक्स्ट बात करें तो बर्बरी एक प्रजाति है जो कि बकरी की जाती है ऑप्शन नंबर सी होगा फेल्स पर ग्रेनाइट कौन सी चट्टान में मिलता है तो पैगमेटाइट चट्टान में, में इसको उत्पन्न होता है यानी कि पाया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री की बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो यहाँ पे अजमेर ना होके यहाँ पे आपका जयपुर में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त यहां पे मानी जाती है तो वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी जो है ऑप्शन नंबर ए फोर्टी फोर का राइट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी मानी जाती है तो गंग नहर परियोजना जो कि 1927 में यहाँ पे स्थापित की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा ट्वेंटी डिग्री थ्री यहाँ पे उत्तरी अक्षांश इसमें स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा पे तृतीय पेनिस प्लेन के रूप में पे पहचाना गया तो इसका राइट right आंसर जो है मालपुरा करोली मैदान के नाम से ये जाना जाता है जो कि ऑप्शन नंबर डी फोर्टी सेवन क्वेश्चन में यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्टी एट की यहाँ पे जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है इसका राइट right आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगानगर इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान के नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो ए रहेगा बलु, बलु, बलुई मिट्टी या फिर मरस्थुल यहाँ पे पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें यानी कि राजस्थान जीके के पोस्टर नंबर 50 क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं तो इसका जो नर्मदा योजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बाडमेर होगा तो ये अपने पास में थी जो राजस्थान जीके से संबंधित जो हाल ही में लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में पूछे गए हैं नॉन टेक्निकल यानी कि राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन उसको अपन डिस्कस के इस वीडियोज़ के माध्यम से तो चलिए बात करेंगे अब लाइब्रेरी साइंस में जो पूछे गए क्वेश्चन है सौ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं तो यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस अपन इस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट बी में तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है तो इसका राइट right ऑनशन जो रहेगा वो पंचम नियम यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो शोध गंगा कोष जो है वो किससे संबंधित है तो इसका राइट right ऑप्शन जो होगा सी होगा यानी कि ई थी का यहाँ पे शोध गंगा कोष है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिफ्टी यानी कि तिरपन की बात करें मो, तो मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी है तो सांख्यिकी सूचना तालिका यहां पे से संबंधित है ऑप्शन नंबर 53 में यहां पे डी रहने वाला है नेक्स्ट करें बात करें 54 की तो यहां पे डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहां पे राइट रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की तो यहाँ पे ये यह लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है काल कालानुक्रम के अनुसार यहाँ पे कर्म में व्यवस्थित करना है तो सबसे इसका रिलेवेंट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन इसमें राइट होगा इफ्ला जिसके 1955 में उसके बाद में आइला जो है इंडियन लाइब्रेरी एकेडमी उसके बाद में यूनेस्को ट्रिपल ट्र, 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 आर एल एफ यहाँ पे सिक्वेंस में रहेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रवृष्टि और अतिरिक्त प्रवृष्टिया या दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले सकते हैं उसको यहाँ पे उस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट right ऑप्शन जो होगा रहेगा वो एक एक पत्रक के प्रणाली के नाम से उसको जाना जाता है इसका राइट right ऑप्शन जो रहेगा फिफ्टी का यहाँ पे सी ऑप्शन रहने वाला है फिफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय जो हैं उनका संयोजन किसके सहायता से यहां पे किया जाता है तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन रहेगा एकल विचार के द्वारा इनको यहाँ पे दशा संबंध दो या दो से अधिक के विषयों को आपस में संयोजन किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट की बात करेंगे तो रंगनाथन के अनुसार फिफ्टी एट की बात करेंगे आपको रंगनाथन द्वारा आप वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत यानी कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन तीन स्तरों से जाना जाता है तो इसकी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट की तो इसका राइट right ऑप्शन जो रहेगा वो आइडिया वर्बल यानी कि मैं आपसे बोलूं सी ऑप्शन जो रहेगा वैचारिक शाब्दिक और अंकन स्तर यहां इसका राइट right ऑप्शन रहने वाला है यानी ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन की बात करें तो किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट से द्वारा संलग्न यहां पे किया जाता है इसका राइट right ऑप्शन रहेगा सी यानी ट्रिपल सी जो है कैटालॉगिंग कोड जो है वो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन रहेगा 59 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पे सीसी के सातवें संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा यहाँ पे किया गया तो मैं आपको बता दूँ यहां पे शारदा रंगनाथन अंशदान के द्वारा यहाँ पे किया गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right ऑप्शन होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में चलेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें इंटरनेट सर्वर कहलाता है तो इसको यहाँ पे होस्ट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का सिक्सटी टू की बात करें तो स्कोप्स क्या है तो इसका अगर राइट आंसर की अगर बात करूँ तो सिक्सटी टू में जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो आपका ऑप्शन रहेगा डी यानी कि अपना सार और उदाहरण डाटावेश यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहां पे इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये तो सीधा सा ऑप्शन है प्रिंटर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इम्पीरियल लाइब्रेरीज के साथ सम्मिलित यहाँ पे कर लिया गया है तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता यहाँ पे ऑप्शन राइट रहेगा यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है सिक्सटी में चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है तो यहाँ पे ईमेल यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की तो यहाँ पे 66 में अगर बात करें तो उपभोक्ता उप को आवश्यक जानकारी या फिर डाटा के उपयोग स्रोत तक पहुँचाने वाली सेवा को क्या कहते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स की अपन बात कर रहे हैं तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है रेफलर सेवा के नाम से ये जानी जाती है तो इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर की बात करें तो आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो वो श्रेणियां कौन सी हैं तो मैं आपको बता दूं उन श्रेणियों का नाम जो है वर्ता चित्र और गैर मुद्रित यानी कि डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री के नाम से ही जानी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में क्वेश्चन नंबर अठारह में सॉरी अड़तालीस में सॉरी सिक्सटी की बात करें अड़सठ की बात करें तो इसमें किसने एक पंचांग सूचना कोष को देशों व्यक्तियों घटनाओं और विषयों के इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में यहाँ पे परिभाषित यहाँ पे किया है तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम ए कैटज जो है इसके राइट ऑप्शन होंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे सी ए एस यानी कि सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है सिक्सटी नाइन की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो राइट ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा ए यानी कि आपका अनुक्रमणी अनुक्रमणी का और सारकरण सूचना सेवा इसका राइट ऑप्शन रहेगा यानी कि 69 में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो वर्णानुक्रम में व्यस्त स्थानों का भौगोलिक शब्द जाना जाता है तो इसकी अगर बात करें तो गेजिटियर यहाँ पे ऑप्शन पे सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवनटी में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right ऑप्शन है चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर में तो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 से 80 का संपादक यहाँ पे कौन थे तो इसकी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन का तो डेविड एल सिल्स इसके राइट ऑप्शन होंगे यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट right होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू की बात करें तो निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव हो तो एक क्षण यहाँ पे में ये पूर्ण कर ली जाती है तो अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा इसका राइट ऑप्शन होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री की बात करें तो यहाँ पे समाचार पत्रों की कत्रण सूचना सेवा एक प्रकार है तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 73 में जो ऑप्शन यहां पे रहने वाला है वो बी ऑप्शन यानी कि अग्रिम सेवा के नाम से जानी जाती है सेवा क्वेश्चन नंबर 74 की की अगर बात करें, यानि की बात करें करें यानी तो फाइल प्रसारित करने के उपलक्ष्य में एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए उसको क्या कहा जाता है तो उसका राइट ऑप्शन जो रहेगा डी यानी कि गेटवे जो है यानी ऑप्शन नंबर सेवनटी फोर क्वेश्चन में डी रहने वाला है डी ऑप्शन इसका राइट होगा 74 में 75 की अगर बात करें तो यहां ऑप्शन इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या तात्पर्य है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे उपभोक्ताओं को परलेखों के अलावा पुस्तकालयों में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है तो कर्मचारी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार की सूचना है तृतीय सूचना यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में अगर बात करें तो यहाँ पे गजट जो है वो आपका सरकारी आदेश और सूचना की जानकारी यहाँ पे प्रदान करता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में चलिए क्वेश्चन नंबर एट्टी की बात करें तो यहाँ पे उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या क्या कहा जाता है जिस किसी भी व्यवसाय कला या अध्ययन के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे संदर्भित किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें तो इसके राइट right ऑप्शन की बात करें यहाँ पे मैनुअल जो है वो राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में बात करें तो यहाँ पे आपके पास में 81 आ चुका है पुस्तकालय के सेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है तो इसका ऑप्शन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 81 का तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका रख रखाव अनुभाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो यहाँ पे संग्रह विकास का कार्य क्या होता है तो आपका क्वेश्चन नंबर 82 टू की अगर बात करें तो यहां पे ऑप्शन नंबर पे सी इसका राइट right रहने वाला है अर्जन विभाग इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सी सी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन पे C राइट होगा नंबर 83 की अगर बात करें इतिहास की बात करें तो ब्राउनी प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग यहां पे किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें तो पत्रक यहां पे जो रहते हैं दो कार्ड यानी दो पत्रक यहाँ पे इसका यूज किया जाता है ब्राउनी में तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहेगा यानी एट्टी थ्री में बी ऑप्शन इसमें राइट होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा है यानी पूरा नाम पूछा आई एस बी एन का तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव की बात करें तो यहाँ पे संगठन में परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे तो पे ऑप्शन नंबर अगर 85 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हेनरी जो थे उसके परंपरावादी और शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक थे तो क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो पुस्तकालय का बजट के लिए तैयार किया जाता है किसके लिए तैयार किया जाता है तो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है ऑप्शन नंबर बी एट्टी में राइट होगा क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो ये आपका स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी तो 1933 यानी 1933 में की गई थी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो यहाँ पे एपगिला का परिवणी शब्द जिसका उपयोग यहाँ पे के लिए किया जाता है तो तो क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो इसके राइट आंसर की की अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर नंबर 88 की तो पे ऑप्शन तो सी right तो right जो रहने वाला है आपका सी ऑप्शन right की अगर बात करें तो पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हद कथन सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था तो यह राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा यहां पर कहा गया था नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की तो यहाँ पे लोकतांत्रिक की भावना को मजबूत करने के लिए समझ समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शन सिद्धांत है तो इसका राइट right ऑप्शन जो रहने वाला है वो सार्वजनिक पुस्तकालय यानी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट right होगा चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन की अगर बात करें तो यहाँ पे पुस्तकालयों के मध्य परलेखों का विनी में क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां कि अंतर पुस्तकालय रण इसका ऑप्शन राइट रहेगा तो नाइनटी वन में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 92 टू की अगर बात करें तो यहां पे डबल ए सी आर सेकेंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा यहां पे प्रदर्शित किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा सेमी कॉलन से इसका पे किया जाता है में. 92 में होगा. 93 की बात करें, तो यहाँ पे नेटवर्क में ओ एस आई का पूरा नाम क्या है तो क्वेश्चन नंबर 93 थ्री में बात करें तो यहां पे इसका राइट right ऑप्शन जो रहने वाला है ओपन श्योर्स इंटर कनेक्शन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट होगा नाइनटी थ्री क्वेश्चन में तो 93 में क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन जो है वो राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 94 की तो यहाँ पे बेबेज के द्वारा विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्ताव कब किया गया था तो 1836 से एडी में किया गया था ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी की बात करें तो रैम को रैम ऑफ द कंप्यूटर यानी रैम कंप्यूटर का है तो इसके राइट ऑप्शन जो रहेगा प्राथमिक और मुख्य स्मृति के रूप में यहाँ पे कार्य करती है क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग में किया जाता है तो ये सभी इसके लिए रहने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर और उसका वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पर लेखों के संग्रहण के लिए सभी के लिए पे कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन सिक्स का क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कहलाता है तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन में क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट में अपने पास में जो राइट रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सॉरी निम्न में से किस समूह के संयोजन यानी कि ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण किया गया तो सबसे पहले इसका ऑप्शन अगर बात करें तो बी यानी कि यूजीसी इन्फो नेट डीएलसी एन लिस्ट एंड इंडस्ट एआईसी के द्वारा यहां पे किया गया था ई शो, शोध सिंधु कंसोर्टिया का तो 98 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर अगर बात करें नाइनटी नाइन की तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन आ चुका है यहां पे जीएमडी को AACR में निरूपित करता है तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा नाइनटी क्वेश्चंस में नेक्स्ट बात करें तो साधारण पुस्तकालय की सूची किस नाम से जानी जाती है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 100 में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एक पुस्तकालय की सूची को सॉरी एक पुस्तकालय एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा क्वेश्चन नंबर अगर 101 की बात करें तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रबलता का उप सूत्र से संबंधित है तो इसका क्वेश्चन नंबर 101 में जो सही रहेगा वो सूची कर्णी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो एक की यहाँ पे डिक्शनरी कैटालॉगी कंसिस्ट यानी कि आपका शब्द को सूची में सम्मिलित किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right होगा वर्णानु वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ इसमें शामिल की जाती हैं क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो यहाँ पे सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है तो इसका क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट right आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूची का पुस्तक स्वरूप इसमें राइट right ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर एक 103 का सी होगा चलिए 104 क्वेश्चंस में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में अगर बात करें निम्न में से पी पी बी बी एस यानी कि बजट निर्माण की एक विधि है का विकास प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो उसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका आर एस मैक नामरा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 105 की बात करें तो यहाँ पे पूर्व बजट के पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी यहां का रूप है। क्या कहलाता है तो यहां पे शून्य बजट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन एक सौ छह की बात करें तो पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड्स क्या है तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 106 की तो ऑप्शन यहां पे सी यानी कि प्री ग्रहण पंजी राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 106 में सी ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो यहां पे अपने पास में जो रहने वाला है आपका आईसीओ एल सी का पूरा नाम क्या होता है तो इसका ऑप्शन आपके पास में रहेगा इंटरनेशनल कॉलिशन ऑफ लाइब्रेरी राइट ऑप्शन होगा यानी सी ऑप्शन एक सौ आठ क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यकर्ता क्रियात्मक तत्वों को बतलाता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो एक सौ नौ क्वेश्चन नंबर में चलते हैं यहां पे एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक परलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसमें आपको मैं बता दूं आपका क्वेश्चन नंबर एक नौ में जो राइट right ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है एस डी आई इसका ऑप्शन राइट right होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें एक नौ में एक दस की बात करें तो यहाँ पर नवांगतुम पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा यहाँ पे किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर सी इसका परिसंचरण विभाग जो है इसके लिए राइट right ऑप्शन होगा सॉरी ये मिस्टेक है संद्रव विभाग इसका ऑप्शन राइट right होगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 110 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right ऑप्शन होगा अगर बात करें आई एन बी की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ का प्रक विवरण अनुभाग किस अनुभाग में यहाँ पे दिया जाता है तो 111 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट right होगा ऑप्शन नंबर बी एक की बात करें तो यहाँ पे निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम मध्यतम और अधिकतम तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन पे किया गया तो ऑप्शन नंबर ए यानी एस रोथ स्टेन के द्वारा यहां पे किया गया है क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे रेफरेंस शॉर्ट्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन उन्नीस तो में ए एल ए शिकांगो के द्वारा यहाँ पे किया गया था तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें एक ऑप्शन की तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी यानी कि लुइस शॉर्ट्स इसके राइट ऑप्शन होंगे एक नंबर 113 में ऑप्शन तो नंबर तो का क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो यहाँ पे डीडीसी उन्नीस संस्करण पद्धति है तो लगभग प्रगणनात्मक यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह का को, को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पे मिथ्या कड़ी ऑप्शन नंबर डी रहेगा एक सौ सत्रह की बात करें तो यहां दी दीबंधु वर्गीकरण जो है दिबंधु वर्गीकरण यानी सीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था 1933 इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 117 में सभी क्वेश्चन यहाँ पे 99 नाइन परसेंट यहाँ पे अथेंटिक हैं इसके आंसर आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो मेरे द्वारा अच्छे से यहाँ पे चेक करके ही यहाँ पे आंसर की आपके सामने डिस्कस की जा रही है अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेलाइकन को दबाना ना भूले क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं और अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन में के आंसर में आपको कन्फ्यूजन है या फिर किसी प्रकार की क्योरीज है तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख के आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो मैं इसके लिए आपका थैंक यू देना चाहूंगा चलिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो यहाँ पे 118 की बात करेंगे तो अपने पास में पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है तो यहाँ पे क्रमांक संख्या ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो यहाँ पे कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार क्या होता है तो साढ़े बारह से साढ़े सात यानी बारह पॉइंट पांच गुणा सात पॉइंट पांच सेंटीमीटर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 119 क्वेश्चंस में अगर 120 की बात करें तो यहाँ पे प्रबंधन के तीन स्तर यहाँ पे माने जाते हैं तो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन इसमें राइट है ऑप्शन नंबर ए शीर्ष मध्यम प्रबंधक इसके राइट ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन नंबर एक में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो यहाँ पे निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी नि, निश्चित योजना के अनुसार व्यस्तित की जाती है तो इसका राइट right ऑप्शन 121 की बात करें तो इसका राइट right ऑप्शन यहां पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी ऑप्शन नंबर ए सी ए के द्वारा कहा गया था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right ऑप्शन है एक में ए ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट अगर बात करें बाईस की तो निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एवं महत्वपूर्ण घटक यहाँ पे माना जाता है तो इसमें आपको बता दू ऑप्शन नंबर डी जो है वो रह, सही रहने वाला है प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर एक की बात करेंगे तो प्रतिमाह में प्रति के शोध ग्रंथ एक कर्मिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा नेक्स्ट 124 की बात करें तो यहाँ पे एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस से एक डॉक्यूमेंट्स के प्रकाशन कौन है तो क्वेश्चन नंबर 124 में जो राइट रहने वाला है निस्केयर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो यहाँ पे ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकी रूप से कुछ बार यहाँ पे विशिष्ट क्षेत्र तक यहाँ पे सीमित होता है तो क्या कहलाता है वो तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी पंचांग कहते हैं उसको 125 में राइट ऑप्शन जो है वो पंचांग यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 126 यानी 126 की बात करें तो यहाँ पे पंच कार्ड के जनक के किसे कहा गया है तो हरमेथ हॉलरिथ यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा नेक्स्ट अगर बात करें एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया तो चार्ल्स बेविज ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठाइस की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से समूह में तीन प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा मशीन असेंबली और उच्च स्तर की भाषा यहाँ पे काम में ली जाती है क्वेश्चन नंबर एक सौ उनतीस की बात करें तो कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंकों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा दो अंकों का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो यहाँ पे पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयोग में लिया जाता है तो डिजिटल इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशन है तो यहाँ पे ए आई यू ऑल इंडिया इन, यूनिवर्सिटी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एक, तीसका, एक तीसका 131 का एक की बात करें तो यहाँ पे आई ए टी एल आई एस का पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पे इंटरनेशनल आपका मैं आपको बता दूँ आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट अगर बात करें सौ तैंतीस के तो कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का दस प्रतिशत पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की तो कोठारी कमीशन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एक का क्वेश्चन नंबर एक सौ चौंतीस की बात करें तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कौन सी मिनिस्ट्री थी तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक सौ पैंतीस की बात करें क्वेश्चन नंबर एक सौ पैंतीस की तो इनफ्लिप नेट जो है ए, क्या है यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ सूचना पुस्तकालय का नेटवर्क है जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शूट हो रहा है तो एक सौ पैंतीस में क्वेश्चन नंबर बी आए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो आप निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम में यहाँ पे चयनित है तो यहाँ पे चयन अधिग्रहण है क्रियान्वय और प्रसरण आपका राइट ऑप्शन होंगे चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एक की तो यहाँ पे उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तक पुस्तकों के लेखक शीर्षक विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित यहाँ पे किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट right ऑप्शन की अगर बात करूं तो यहां पे राइट right ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शब्द सूचना सॉरी शब्द सूची इसका राइट right ऑप्शन होगा इसका राइट right ऑप्शन की बात करें तो यहां पे आपके सामने शब्द सूची यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा एक क्वेश्चन में एक सौ अड़तीसवें क्वेश्चन की बात करें तो पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को क्रियान्वित करने में काफी मददगार यहाँ पे साबित होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तीस में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मध्यम स्तर यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका राइट right होगा क्वेश्चन नंबर एक सो वन थर्टी चलेंगे वन थर्टी नाइन क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा नेटवर्किंग डी ओ एस यू एन आई एक विंडो किसके उदाहरण हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन राइट right होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right होगा क्वेश्चन नंबर 140 में 141 की बात करें तो पुस्तकालय में कार्यों गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है तो इसके लिए ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right होगा नेक्स्ट फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है ओ पी ए सी का पूरा नाम क्या है तो ऑनलाइन पब्लिक एस एस कैटलॉग इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एक में एक की बात करें तो यहाँ पे डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कब से यहाँ पे शुरू किया गया था तो तेईसवें संस्करण से इसको ऑनलाइन किया गया था नेक्स्ट एम का पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पे मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन नंबर आपका सॉरी ठीक है यहाँ पे एम बी ओ का पूरा नाम अगर बात करें तो मैनेजमेंट आपका बाई ऑब्जेक्टिव ये इसका राइट right ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 145 में चलते हैं यहाँ पे 145 की बात करें तो यहाँ पे लेखन प्रणाली प्र, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो यहाँ पे प्राचीन मिश्र वासियों के द्वारा यहाँ पे किया गया था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा पुस्तकालय विज्ञान के पांच सिद्धांत प्रथम कब यहाँ पे प्रकाशित किया गया था उनमें से तो उन्नीस यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक की बात करें तो यहाँ पे सूचना में क्वेश्चन नंबर एक की बात कर रहे हैं अपन सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे तो सूचना विस्फोट इसका नाम यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो इफ्ला की स्थापना सबसे पहले कहाँ गई थी की गई थी तो इडन वर्ग में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी उसके बाद में यहाँ पे हैंग में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थापित किया गया था क्वेश्चन नंबर 149 में अगर बात करें तो यूनिसिस्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया यानी किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया तो यूनिस्को के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि लास्ट यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन uh, की बात करें तो छात्र अध्यापक और शोध छात्र ये uh, उपभोक्ता हैं तो शैक्षणिक पुस्तकालय के ये माने जाते हैं तो ये थे हाल ही में लाइब्रेरी साइंस का जो अधीनस बोर्ड के द्वारा पेपर यहाँ पे आयोजन यहाँ पे 19 सितंबर को किया गया था उसका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें भाग ए और बे यानी कि आपका राजस्थान जीके और आपका लाइब्रेरी साइंस का दोनों पोर्शन मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किए और कंप्लीट ये आंसर की जो है वो सौ प्रतिशत यहाँ पे राइट है आप लोगों को किसी प्रकार का अगर इसके अलावा भी कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो मैं आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस जो मैंने आप, आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस किया मैं आशा करूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के आंसर यहाँ पर मिल सके